गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर ऑल फाइन एंड गुड. स्टूडेंट, वंस अगेन टुडे आई विल टीच यू मैथ्स. एंड नाउ टेक योर मैथ्स बुक, ओपन योर पेज नंबर 4. आई होप सभी के पास बुक हो गई होगी बेटा, सभी ने ख़रीद लिया है. जिन भी बच्चों के पास बुक नहीं है वो जल्दी से ले लें, क्योंकि बेटा अगर आपके पास बुक नहीं होगी तो आपका वर्क अच्छे से कंप्लीट नहीं हो पाएगा. ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट हियर. यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ट्रेस द स्टैंडिंग लाइन. स्टूडेंट्स, आज हम फिर से स्टैंडिंग लाइन सीखेंगे. ओके, जब तक हम अच्छे से उसको कर नहीं लेते हैं. देखिए, यहाँ पर आपको पिक्चर कुछ दिख रही होगी. ये क्या है? बादल. सबको पता है ना, स्काई, आसमान में बादल होते हैं, सबको पता है ना. तो ये बादल है और इसकी स्टैंडिंग लाइन को ट्रेस करते हुए हमें क्या करना है, जैसे कि यहाँ से पानी गिर रहा है, हट बनी हुई है, हट. ये क्या है? हट. यहाँ पर हम लोग देखेंगे. ओके स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं करना. यहाँ से हम करेंगे, देखिए ये हमारी स्टैंडिंग लाइन है, इसको हम ट्रेस करेंगे. सभी बच्चे अच्छे से ट्रेस करने के लिए ट्राई करेंगे, कोई भी डॉट के बाहर नहीं करेगा. मुझसे हो जा रहा है क्योंकि बेटा ये एडिटिंग है. ओके स्टूडेंट्स, ये मैं सिर्फ आपको सिखा रही हूँ, जब आप पेंसिल से करेंगे तो ये बहुत ही अच्छे से हो जाएगा और सभी बच्चे बहुत अच्छे से करेंगे. जब आपने पूरा ट्रेस कर लिया होगा पेंसिल से, फिर आपको कैसा दिखेगा पता है, कि बादल से क्या हो रही है, बारिश हो रही है. रेन कहते हैं ना, रेनी डे हो जाता है. स्कूल में छुट्टियां हो जाती हैं ना, बहुत सारी बारिश होती है, हम घर चले जाते हैं, वैसे ही बादलों से बारिश हो रही है, घर पे पानी गिर रहा है. सभी बच्चे इसको अच्छे से करेंगे. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. ये हमारी स्लैंटिंग लाइन है, सॉरी ये स्टैंडिंग नहीं थी, ये हमारी स्लैंटिंग लाइन थी. ओके, स्टैंडिंग तो क्या होती है, एकदम सीधी होती है. ओके स्टूडेंट्स, स्लैंटिंग लाइन है, हम लोग ये कंप्लीट किया है आज. ओके, ये आपका क्लास वर्क है, अच्छे से आप कंप्लीट करेंगे, क्लास ग्रुप में सेंड करेंगे. थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच ऑल.